विदाउट लिपस्टिक घर से निकलना नो वे, हम फीमेल्स तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हो, ओकेजन चाहे जो भी हो लेते हैं, क्योंकि लिपस्टिक एक ऐसी चीज है ना जो कि हर फीमेल्स की पहली पसंद होती है और ये हमारे लुक को ओवरऑल लुक को जो कंप्लीट करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप एक सही शेड चूज नहीं करते हैं लिपस्टिक की अपने आउटफिट के हिसाब से, अपने स्किन टोन के हिसाब से और ओकेजन के हिसाब से, तो ये ना आपके ओवरऑल लुक को खराब कर सकती है। और अगर वही आपने एक सही शेड चूज की है ना, तो ये आपको ओवरऑल लुक को और इनहेंस करेगी और आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडीश फैशन एंड ब्यूटी। और मेरे चैनल पे ना आपको बहुत सारी होम रेमेडीज, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड और आपको बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल, हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती रहती है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आती है, आपके काम की है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम एक सही शेड चूज कर सकते हैं अपने स्किन टोन के हिसाब से, अपने आउटफिट के हिसाब से और ओकेजन के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कलर्स को दो भाग में डिवाइड करने वाले हैं। मीन्स के कुछ ऐसे कलर्स जिसके की मैचिंग लिपस्टिक हो सकते हैं और कुछ ऐसे कलर्स जिसके मैचिंग लिपस्टिक हो ही नहीं सकते हैं। जैसे ब्लैक है, जैसे ब्लू है, जैसे ग्रीन है, इसका तो कोई मैचिंग कलर होता नहीं है, इसको हम लगाएंगे भी तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो फिर उसमें हम कौन से कलर्स लगाएं? तो सबसे पहले मैं आपको ऐसे कलर्स बता देती हूँ जिसकी सेम कलर के लिपस्टिक होती ही नहीं है और हम सोचते हैं कि इसके साथ कौन सा लिपस्टिक लगाए। और कभी कभी आपने ब्लू कलर पहना है, आपने ब्लैक कलर पहना है, आपने ग्रीन कलर पहना है, तीनों के साथ ही मैं अलग अलग कलर्स आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना है और अगर आप डे टाइम में कहीं पर जा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपको थोड़ी सी लाइट शेड रखनी, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक डार्क कलर पहना है और उसके साथ अगर आप थोड़ा लाइट कलर लगाएंगे ना, तो बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन वहीं अगर आप नाइट में कहीं जा रहे हैं, तो आप हल्का डार्क भी लगा सकते हैं। देखिएगा, ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके लुक को बहुत ही ज्यादा एनहांस करेगा। लेकिन अगर आपने ब्लू कलर का लिपस्टिक आउटफिट पहना ना, तो उसके साथ आप रेड कलर भी लगा सकते हैं, उसके साथ आप चाहे तो पिंक कलर भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही कलर उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप कहीं डे में जा रही है, तो कोशिश करिए थोड़ी सी लाइट शेड आप लीजिए। वहीं अगर आप नाइट में कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ी सी डार्क शेड आप ले सकते हैं। आप देखिए, अभी बात अगर आपने कुछ ऐसा आउटफिट पहना है डार्क कलर का जिसके साथ की कुछ हल्के फुल्के प्रिंट बने हुए, अगर मान लीजिए कि आपने एक ब्लू कलर का टॉप पहना है जिसके ऊपर कुछ ऐसे प्रिंट्स बने हुए जिसकी सेम शेड की आपके पास लिपस्टिक है, तो कोशिश करिए कि वही लिपस्टिक आप उसके ऊपर लगाने, देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपने अगर ब्राउन कलर का ड्रेस पहना है, तो कौन सा लिपस्टिक आप लगा सकते हैं, क्योंकि ब्राउन कलर एक ऐसा कलर है ना जो कि हमारे ऊपर ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपका स्किन टोन हल्का डार्क है ना, तो अगर आप ब्राउन कलर का अगर ड्रेस पहनते हैं, तो सबसे पहले तो ब्राउन ड्रेस, अगर जो भी थोड़ा सा जिनका डस्की कलर है ना, उनको ब्राउन कलर तो पहनना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद है ब्राउन कलर, अगर आप ब्राउन कलर पहन रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसके साथ आपको लगानी है ऐसे लिपस्टिक जो कि आपके फेस को थोड़ा हाईलाइट करें। मीन्स कि आप न्यूड शेड की लिपस्टिक लगा सकते हैं या फिर आप पिंक शेड की लिपस्टिक लगा सकते हैं। इस तरह के शेड आप चूज करिएगा, देखिएगा बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आप बेबी पिंक कलर की लिपस्टिक उसके साथ लगाते हैं ना, तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये तो एक कैटेगरी मैंने डिवाइड कर दिया। सेकंड कैटेगरी जिसके मैचिंग लिपस्टिक होते हैं, जैसे कि आपने रेड कलर पहना है, तो कोशिश करिए कि अगर आप डे टाइम में अगर कहीं जा रहे हैं, तो आप रेड कलर की ही लिपस्टिक लगाएंगे, लेकिन हल्की शेड में। लेकिन वहीं अगर आप नाइट में कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको डार्क कर लीजिए, देखिए आपके लुक को बहुत ज्यादा एनहांस करेगा। सेकंड, अगर आपने पिंक पहना है, तो पिंक के साथ हमेशा ही पिंक लिपस्टिक ही लगाइए, क्योंकि पिंक के साथ अगर आप कोई भी कलर और अगर उसमें लगा लेते हैं ना, तो वो देखिएगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पिंक जो है ना, कभी भी पिंक के साथ पिंक को अगर आप मैचिंग करके लगाएंगे ना, तो देखिएगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ओवर कुछ लगा लिया, वो बिल्कुल उसके साथ सूट करता है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपने मेजेंटा पिंक पहना है, तो आप उसी कलर की लिपस्टिक आप लगाए। अगर आपने थोड़ा बेबी पिंक पहना है, तो बेबी पिंक अगर आपने पहना है, तो उससे डार्क शेड आप ले सकते हैं, क्योंकि इससे जो फेस है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपने येलो पहना है, ठीक है। येलो जो है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने भी येलो पहना है, और अभी मैं डे टाइम में ये वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ। तो अगर आप येलो पहनते हैं ना, तो उसके साथ आप ले सकते हैं मेजेंटा पिंक ले सकते हैं, लेकिन हल्की शेड की। उसके साथ आप पिंक कलर भी ले सकते हैं, पिंक कलर भी उसके साथ बहुत अच्छी जाती है। आप उसके साथ रेड कलर ले सकते हैं, इस तरह के कलर्स आप उसके साथ लगा सकते हैं। और मैट लिपस्टिक तो इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैंने मैट लिपस्टिक नहीं लगाई है, मैंने सिंपल अभी पिंक लिपस्टिक लगाई है। ये कैमरे में थोड़ा सा कलर अलग लग रहा है, मैं फील कर रही हूँ, लेकिन मैंने पिंक लिपस्टिक ही लगाई है। अच्छा, आउटफिट की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपने एथनिक आउटफिट पहना है, मीन्स कि ट्रेडिशनल लुक के को आपको अगर कंप्लीट करना है, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप थोड़ी सी डार्क शेड ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपने थोड़ा सा
अगर वहीं आपने कोई वेस्टर्न आउटफिट पहना है ना, तो वहां पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप थोड़ी सी लाइट शेड की लिपस्टिक लीजिए, देखिए आप बहुत ज्यादा अच्छा लगेंगे। लेकिन अगर नाइट में कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा डार्क लगा सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम में जितना हो सके कोशिश करिए कि थोड़ी लाइट शेड ही लगाइए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में अगर आपका लिपस्टिक थोड़ा सा भी इधर उधर अगर बिगड़ जाता है ना, तो वो क्लियर आपके फेस पे दिखता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ये आपके ओवरऑल लुक को खराब करता है। तो ये तो मैंने जो कौन से कलर के आउटफिट के साथ कौन सा लिपस्टिक आप लगाएंगे ये क्लियर कर दिया। अब सेकंड मेजर जो टॉपिक है कि अगर आपकी स्किन टोन कैसी है और स्किन टोन के हिसाब से आपको कौन से लिपस्टिक चूज करनी चाहिए। तो अगर आपकी स्किन टोन बहुत ज्यादा गोरी है, जैसे कि मुझसे भी ज्यादा अगर गोरी है, तो आप कोशिश करिए कि आप थोड़ी सी डार्क शेड की लिपस्टिक लगाइए, जिसमें कि आप बहुत ज्यादा सुंदर दिखेंगे, बहुत मींस कि आपके फेस को ना कोई दूर से ही नोटिस कर लेगा। लेकिन वहीं अगर आपका फेस नॉर्मल है, मींस कि नॉर्मल कहूँ तो हाँ आप गोरे हैं लेकिन बहुत ज्यादा गोरे नहीं है, तो आप अपने आउटफिट के हिसाब से, अपने स्किन टोन के हिसाब से आप कोई भी लिपस्टिक अपने आउटफिट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब अगर आपका जो स्किन टोन है ना, अगर वो थोड़ा डस्टी है, तो डस्की स्किन टोन वालों को बहुत ज्यादा समस्या होती है लिपस्टिक चूज करने में, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा लाइट कलर की लिपस्टिक लगा दी तो फेस पे सिर्फ लिपस्टिक ही दिखता है, अगर आपने बहुत ज्यादा डार्क शेड लगा ली तो आपका फेस जो है वो और ज्यादा ब्लैक दिखता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप नोटिस करिए कि आपने कौन सा आउटफिट पहना। अगर मान लीजिए जैसे जिन्होंने कमेंट किया था ना, उन्होंने येलो और पिंक कलर का आउटफिट पहना था, तो उन्होंने बेबी पिंक पहना था, तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आप थोड़ी सी डार्क पिंक लो, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से आपको भी, अगर आपने येलो पहना है, अगर आपने पिंक पहना, तो आप कोशिश करिए उसके साथ उस जो पिंक आपने पहना है ना, अगर वो बहुत ज्यादा डार्क है तो उसे आपको हल्का लाइट शेड लेना है, और अगर बहुत ज्यादा वो लाइट है तो आपको थोड़ा सा डार्क शेड लेना है। और आप ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाने से बचे, क्योंकि ब्राउन कलर की लिपस्टिक में ना फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर आपका कलर थोड़ा डस्टी है। आप न्यूड शेड की लिपस्टिक बिल्कुल लगा सकते हैं, न्यूड शेड की लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत देर तक फिक्स होकर रहती है, और एक वेलवेट जैसे वेलवेट का होता है ना, उस टाइप का लुक वो देती है, जिससे कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपका स्किन टोन हल्का अगर डस्टी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बिल्कुल वेलवेट कलर की, जैसे मींस की डार्क रेड हो गया वो आप ले सकते हैं, या फिर आप पिंक कलर भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि बहुत ज्यादा मींस की चमकता हुआ पिंक आपको नहीं लेना है, आपको ऐसा पिंक लेना है जो कि आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको अच्छा लगे। और उसको लगाने का बेस्ट तरीका है ना कि आप यहाँ पे एक लाइन बनाकर देख सकते हैं कि हाँ किस तरह से वो पिंक आपके ऊपर कैसा लग रहा है। हाथ पर अच्छा नहीं लग रहा है, मींस की वो आपके फेस पर भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका कलर जो है थोड़ा ज्यादा डार्क है, यहाँ पर आपको कलर चूज करने में बहुत ही स्मार्ट रहना है, मीन्स कि आपको डार्क शेड की लिपस्टिक आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि डार्क शेड की लिपस्टिक, या इवन मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आपको डार्क कलर का ड्रेस भी नहीं लेना है। आपको किस तरह का आप लाइट कलर का ड्रेस पहन सकते हैं, जैसे कि अगर आपने रेड चूज किया, तो रेड में भी एक होता है बिल्कुल डार्क वाला रेड, और एक होता है हल्का लाइट वाला रेड, तो हल्का लाइट वाला रेड लीजिए। अब येलो भी हल्का येलो टाइप का जैसे मैंने पहना है, ये पूरा येलो नहीं है, हल्का येलो है, तो इस तरह के कलर अगर आप पहनते हैं ना, देखिएगा बहुत स्मार्ट लगेंगे, और साथ ही साथ उसके साथ उससे मैचिंग करती हुई लिपस्टिक। और अगर आपने ब्लैक पहना है, ब्लैक की सबसे पहली बात है कि अगर आपका कलर बहुत ज्यादा अगर डार्क है, तो आपको ब्लैक कलर चूज करना नहीं चाहिए, लेकिन पसंद सबकी अपनी अपनी होती है। तो अगर आपको ब्लैक बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके साथ कोशिश करिए कि आपको बहुत ही ज्यादा लाइट कलर के लिपस्टिक लगानी है। ये मैंने बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। उसके बाद अभी एक सबसे जरूरी बात कि आपके लिप्स का जो शेप है वो कैसा है। अगर आपका लिप्स का शेप जो है ना, तो बहुत ज्यादा मोटा है, मीन्स की बहुत ज्यादा अगर लिप्स जो है वो बड़े हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आपको थोड़े डार्क कलर के लिपस्टिक ही चूज करनी है, क्योंकि अगर आप डार्क कलर के लिपस्टिक अगर आप लेते हैं ना, तो देखिएगा आपके लिप्स जो है ना थोड़े से छोटे दिखेंगे। आपने बहुत ज्यादा हल्की शेप की लिपस्टिक अगर अपने लिप्स के लिए चूज कर ली ना, तो आपके लिप्स जो है वो और ज्यादा बड़े दिखे। अगर आपके लिप्स बहुत ज्यादा पतली है, तो आप किस टाइप की लिपस्टिक लगा सकते हैं। अगर आपकी लिप्स बहुत ज्यादा पतली है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो आपको लिप लाइनर से थोड़ा सा, मींस कि आपकी लिप्स जितने हैं उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आपको लिप लाइनर लगाना है, उसके अंदर आपको डार्क कलर की लिपस्टिक फिल करनी है। अगर आप लाइट कलर की लिपस्टिक अगर उस मामले में चूज कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको लिप लाइनर से ही अच्छे से पहले सेव दीजिए, जितना डार्क आप हो सके ना उतना डार्क कलर का, उसके बाद ही आपको लिपस्टिक लगानी है। तो ये कुछ स्मार्ट तरीके थे अपने लिपस्टिक को चूज करने के। तो आई होप कि लिपस्टिक को लेकर मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। इसके साथ ही बहुत सारी पिक्चर्स भी मैं यहाँ पर लगाते जा रही हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।